नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उन्नति कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजेश्वरी पब्लिकेशन बुक की। ये इसका भाग होगा ज्योग्राफी पार्ट टू। इससे पहले हमने काफ़ी सारे पार्ट अपलोड इस बुक के कर चुके हैं। आप राजेश्वरी पब्लिकेशंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेंगे हिस्ट्री के सारे भाग, सारे पार्ट। फिर आपको मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऑल पार्ट्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी पार्ट वन हो चुका है कंप्लीट और वो वीडियो हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिसाइड करिए कि आपको सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी थॉट, एक प्यारी सी कोटेशन आप सबके सामने आपको दिखाई दे रही है। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, फोकस ऑन योर एम, अपने एम पर पूरा फोकस रखिए। अगर आपने जो भी फॉर्म भर रखा है, फिल कर रखा है, उसके प्रति अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदार का मतलब ईमानदारी से फॉर्म भरने से मतलब नहीं है, ईमानदारी से मतलब मेरा कहने का है कि अगर आप ईमानदारी से उस एग्ज़ाम को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, सही समय पर आप उठ रहे हैं, सही प्लानिंग के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, उसको लेकर के आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो वो सब आप अच्छा कर रहे हैं, तो डैम श्योर आपका सिलेक्शन होगा। अपने काम में लगे रहें पूरी ईमानदारी के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट एनी डिले। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी गुफा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंटेया कनांडा, जो पापुआ न्यू गिनी में पड़ती है। उसकी लंबाई क्या है? उस गुफा की जो लंबाई है, मतलब गहराई से, ठीक है, ये है 1500 मीटर। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? यह असम में। चहु अहुआ जस्ता वे चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पर है? मैक्सिको में। कोड रमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? वो पूछ रहा, कोड रमा जो ये खनन क्षेत्र है, इसमें कौन सा खनिज प्राप्त होता है? इसमें प्राप्त होता है हमको अभ्रक। और मैक्सिमम जो भारत में पाया जाता है खनिज, उसका नाम भी क्या है? अभ्रक। अभ्रक के बारे में मैं आपको बताऊं, अभ्रक होता क्या है? कभी कभी आपने प्रेस देखी होगी, कभी क्या, मैक्सिमम लोगों ने प्रेस देखी होगी। प्रेस के बीच में आपने एक चमकीला सा एक लेयर देखी होगी, चमकीली सी एक शीट लगी होती है, उसको बोलते हैं अभ्रक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं क्या होती है? आर्द्र बल्ब तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? यह नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जे क्रिच। पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की है, और पोर्ट ऑफ स्पेन जो है त्रिनिदाद और टोबेगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है और किस पर्वत श्रेणी में है? ये जो है इक्वेडोर में है, एडीज पर्वतमाला में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है मालाबार तट। हीरा कुंड योजना किस राज्य में है? यह है उड़ीसा में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? ये होती है 49वीं समानांतर रेखा, जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? दोनों के स्थानों में जो समय का अंतर होगा वो होगा 4 मिनट। लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ये पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है?
यह स्पेन में कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? इसका नाम है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, सेरी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? ये जो है ये रेशम के उत्पादन से संबंधित है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, ये आप नोट कर लीजिएगा। पैन डाउन तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बनेगा। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एशिया को। अगला क्वेश्चन है, जवाहर द्वीप, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है जिनेवा में। विश्व का सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपन्यास से जाना जाता है वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस स्टेट में है? इसका सही आंसर है मेघालय। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बेकाल झील किस देश में स्थित है? यह रूस में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चंस बात कर रहा है थोरियम। मैक्सिमम थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? इसका राइट आंसर है केरल में। और केरल से संबंधित एक बात और जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है कि मैक्सिमम साक्षरता रेट, मैक्सिमम एजुकेटेड जनसंख्या किस स्टेट की है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? यह है बंगाल की खाड़ी में। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? ये उगते हैं टैगा वनों में। अजरबैजान की राजधानी क्या है? यह है बाकू। अल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? यह है पेरू में। और ये ज्वालामुखी भी काफी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में जाने से पहले आपके पास कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए एवरग्रीन है, हमेशा हरित रहते हैं, कभी भी इनमें से कोई ना कोई तीन चार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, साराजेवो, साराजेवो बोलते हैं किस देश की राजधानी है? यह है बोसानिया वे हर्जी गोविना की। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्योरोसिवो कैसी जलधारा है? यह है गर्म जलधारा। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? यह है प्रेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस देश में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी क्या है? यह है बेरूत। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? यह है खिरगिज का। बेरिंग जल मध्य किन देशों को अलग करता है? ये अलग करता है अलास्का तथा रूस को। ब्राजील में प्रमुख है कौन सी भाषा बोली जाती है? ये बोली जाती है पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान जिसको बोलते हैं इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में। तंबाकू पहली बार भारत में किस देश के द्वारा आयात हुआ था? आया था, यह आया था पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, और ये आया था ब्राजील से। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन भी आप पेन डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्यू राइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? सिंगापुर।
घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको नाम जाना जाता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। पाक जलडम मरुभूमि, ठीक है, किन दो देशों को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को, ठीक है। पाक से पाकिस्तान आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं है, पाक से है आपका भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। विशाखापट्टनम एवं ओयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विशाखापट्टनम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में, और कोयली जो गुजरात में है तेल शोधन शालाएं उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने की एक कारखाना स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंगानगर। विश्व के कितने परसेंट जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। जूट का सामान जो भी बनता है पूरे वर्ल्ड में उसमें 35% जो भागीदारी है वो किसकी है? वो है भारत की। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ है, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों यूरोप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन आप पेन डाउन करिए। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? इसका राइट आंसर है जापान। भारत के कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा एवं पिंडार? अगला क्वेश्चन है कि मधुवान मालकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों केरल। अगला क्वेश्चन है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से। महासागर जो भी बने हैं तो वो किस चट्टान से मिलके बने हैं? वो है बेसाल्टिक चट्टान से। अगला क्वेश्चन यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? हर्सेनियन भू हलचल के समय। गोंडवाना क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? इसका राइट आंसर है कोयला। कोयले के भंडार में भारत की क्या पोजीशंस है? कौन सा देश अग्रणीय है? कभी कभी ये पूछता है, लेकिन यहाँ बात करी है उसने कौन सा देश अग्रणीय है, मतलब कहाँ पे मैक्सिमम कोयला पाया जाता है, ये पाया जाता है झारखंड में। और अगला क्वेश्चन है काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यह है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह है असम में। अगला केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है नागपुर में। कोयली किस उद्योग के लिए फेमस है? यह पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। पेट्रो से संबंधित एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, आपको पता होगा कि व्हाइट क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, या फिर ग्रीन क्रांति किस चीज से संबंधित है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जो व्हाइट जो रिवोल्यूशन था, जो श्वेत क्रांति थी वो संबंधित थी दूध से। उसी के बाद पेट्रोलियम से संबंधित एक क्रांति हुई थी, इसको बोलते हैं ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक क्रांति। ब्लैक क्रांति से जो संबंध है वो है पेट्रोलियम से, क्योंकि जो पेट्रोल हमको फर्स्ट टाइम मिलता है रिफाइनरी होने के बाद उसका कलर येलो हो जाता है जो आप देखते हैं, लेकिन इसका जो बेस कलर होता है वो होता है ब्लैक। तो उस कलर के बिहाफ पर जोड़ा गया है ब्लैक रिवोल्यूशन, मतलब ब्लैक क्रांति। गोल क्रांति भी होती है, लाल क्रांति भी होती है, नीली क्रांति भी होती है। तो ये स्टैंडर्ड कुछ क्रांति को लेकर के मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके शॉर्टकट ट्रिक के नाम से, आप उसको देखिए उसको याद करिए, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं प्यारे बच्चों के आपका नंबर आए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं फील करता हूँ, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ वाला जो हिसाब होता है ना, हेड आया तो ए लगाऊंगा, टेल आया तो बी लगाऊंगा, एग्जाम में ये क्वेश्चंस मैं ऐसे चूज करूंगा। तो सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, अगर आपको लगता है कि वो तरीका बेस्ट है तो कम समय में वो तरीका अपना लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मजाक हो रहा है, सही में ये आप अपने साथ मजाक ही करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है,
कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है, कम पोस्टों में कई लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। गूगल कर लीजिए, आपको चल जाएगा पता कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, फिल करा है, कितनी पोस्ट में कितने लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि 40% बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, छुट्टी कर लेंगे उस दिन, सबका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन 60% निकालोगे इतने लाख का, देखोगे कितने बच्चे बैठेंगे, बेरोजगारी कितनी है। आपको शायद अभी इसका आइडिया नहीं होगा, अगर आप लापरवाही से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वाले फॉर्मेट को त्याग दीजिए, कुछ नया करिए, दिल से करिए, ईमानदारी के साथ करिए। चलिए बच्चों, समझाना मेरा फर्ज बनता है, मैं समझाऊंगा, सुनो सबके, करो अपने मन के, लेकिन जो इंसान आपकी भलाई के लिए बोल रहा हो उसकी आवाज़ को कम से कम समझना शुरू कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे वो आपके परिवार के मेंबर हो या फिर कोई भी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, किसी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतो, और अपने साथ भी जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं टाइम टू टाइम रिवाइज़ करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ते समय, अगर बैलेंस बना के चलोगे तो एग्ज़ाम जरूर क्रैक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। क्वाली किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है हमारा जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना लाभान्वित होती है बिहार और नेपाल। लास्कर ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान की बात कर रहा है, ये जो भेजा था, ये भेजा था गैलीलियो ने, ये भेजा था सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? गैलीलियो। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से हमको क्लियर हो गए, किसने भेजा और अंतरिक्ष नाम जो था उसका नाम क्या था। इसका जो मेन पर्पज था वो था बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा का। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है पारसनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए, कालगुली तथा कूलगार्डी। अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? इसका नाम है डेन्यूब नदी के तट पर। देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। इसकी लंबाई जो है वो है 4800 मीटर। और देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी स्किल्स आपको आने चाहिए। आप कोई भी वन लाइन जी के पढ़ते हैं तो उसमें से आप क्वेश्चन बनाइए कि हमसे वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। ऐसा करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप सोचते हैं कि पूरी की पूरी 3-4 बुक परचेज करके ले आते हैं मार्केट से, ढेर लगा देते हैं किताबों का, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है 3-4 पन्ने पलटे, बाद में ठंडे पड़ गए, तो ऐसा नहीं, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे सामने कम से कम। देखिए सबसे लंबा बांध कौन सा है, एग्जाम में ये पूछे अगर हमसे, तुमको पता होना चाहिए सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीरा कुंड बांध। ये क्या बांध है? सबसे लंबा बांध है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा पर। एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि हीरा कुंड बांध कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में, 4 ऑप्शन आपको देगा, आपको राइट आंसर लगाना है उड़ीसा। ये क्या है? सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और ये किस नदी पर है और इसकी लंबाई क्या है? हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, तो वो बना है महानदी पर। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 4800 मीटर। तो इस तरह से आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आधे घंटे में मात्र 10 से 12 क्वेश्चन ही मैं कम्प्लीट कर पाऊँ। और वीडियो की लेंथ बढ़ेगी वो अलग, वीडियो की लेंथ बढ़ाने से मुझको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास एक्चुअली टाइम काफ़ी कम है पढ़ने का, उनका पेशेंस 15 मिनट से ऊपर नहीं है, 15 मिनट के बाद वो लोग वीडियो को क्लोज़ कर देते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ कम हो, कम पढ़ें और अच्छा पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है पारा, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। क्विक सिल्वर का जो सिनोनिमस है वो है पारा।
आईएसटी किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? यह है पेरू में, पेरू। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर कौन सी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है कील नहर। अगला क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की। पायरोक्लास्टिक्स क्या होता है? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टान को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? यह नील नदी पर। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र, इसको बोलते हैं डेड हार्ट ऑफ एरिया, कहा जाता है? इसका राइट आंसर है पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सतलुज व्यास से। डोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। भारतीय मानक समय जिसको हम बोलते हैं IST। ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? 82.5 डिग्री ईस्ट। मोस्ट IMP क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदू पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मैक्सिमम दालें कहाँ मिलती हैं? ये भी मिलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कुछ चीजें आप एक काम करिए, नॉलेज जो भी आप पढ़ रखे होगी मौका मिलते ही उसको कनेक्ट कर लिया करिए। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में मुझको मौका मिला कर्क रेखा जोड़ने का, मैंने जोड़ दिया। मुझको मौका मिला दाल का उत्पादन मैक्सिमम मध्य प्रदेश में होता है, मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह से आप भी ये स्किल्स को डेवलप करिए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो माइंड है, जो माइंड में आपने नॉलेज गेन कर रखी है, अगर रिवाइज कर रखा है तो वो माइंड में आपके सेव है। तो इस तरह से आप लोग अगर कनेक्ट करते हैं मौका मिलते ही, तो आपका वो क्या होगा, जो पिछला पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, और जो नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको याद करना ही करना है। इस तरह से आप अपनी मेहनत पे वर्क करेंगे तो जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीय जिसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण जो हुआ था वो कौन से वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1884 में। कौन सा देश पहले श्याम मतलब व्हाइट के नाम से जाना जाता था? इसका नाम है थाईलैंड। और सफेद हाथी कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं थाईलैंड में, इसलिए इसका नाम पड़ा श्याम। श्याम का मतलब सफेद। अगला है, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर मतलब स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है? यह है बंगलोर। बेंगलोर जिसको बोलते हैं, यह अंतरिक्ष सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह बेंगलोर में। अगला है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? यह है मकरान तट। अगला है, विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव ज्वालामुखी किस द्वीप में है? उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भू विवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल भित्ति। लक्षद्वीप जो बना है ये बना है कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप से। आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध है? वहां पे क्या मिलता है? यहाँ है हीरे के भंडार। जी हाँ दोस्तों, हीरे के भंडार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की जगह है बंगमपल्ले, जहाँ पे हमको मैक्सिमम हीरे के भंडार प्राप्त हुए थे। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? मतलब कौन सी कंट्री हमारे आभूषणों को मैक्सिमम क्या करती है, इंपोर्ट करती है, मंगवाती है? इसका राइट आंसर है अमेरिका।
मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका। रेगूर क्या है? रेगूर एक काली मिट्टी है। काली मिट्टी में मैक्सिमम कौन सी खेती होती है? कपास की खेती। और मैक्सिमम कपास कौन सी स्टेट में उगाया जाता है या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ बच्चों, महाराष्ट्र से संबंधित हमने 3 बातें सीखी। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी में बोलते हैं और काली मिट्टी में कपास होता है। मैक्सिमम कपास जो मिलता है वो मिलता है महाराष्ट्र में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ पे होती है, कौन से वायुमंडल में होती है, उसका नाम पूछे तो उसका नाम होता है शोभ मंडल। ये हमारे मंडल की पहली परत होती है, शोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो हर मंडल में अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये मंडल के बारे में भी आपको अपनी बुक से रीड करना चाहिए। कोई भी बुक अपने स्टैंडर्ड बुक परचेज कर रखी है उसमें देखिए, क्योंकि तो इस चीज को लेकर के भी एग्जाम में एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं बात करता हूँ इस वीडियो के क्वेश्चन को। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अंगेजी मेंडल। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है? 6,378 किलोमीटर। एशिया का निष्प्रास क्षेत्र किसे कहा जाता है? पामिर क्षेत्र को। जनसंख्या की दृष्टि से तथा एरिया की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान है दूसरा, और अगर एरिया की बात करी जाए तो हमारा जो स्थान है वो है 7, मतलब 7वां। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक तरफ तो पाकिस्तान से लगा हुआ है और दूसरा किससे लगा हुआ है? चीन से। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। और दंड करण्य योजना कहाँ स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। जोजीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट टाइम के क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में। और केसर मैक्सिमम कहाँ मिलता है? यह भी मिलता है जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काली नदी, काली नदी की खास बात क्या है? ये भारत और नेपाल के बीच सीमा डिसाइड करती है कि कितना भाग भारत के पास है और कितना भाग नेपाल के पास है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। हम्बोल्ट धारा, जिसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट धारा या करंट, किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। विश्व का प्रसिद्ध डोन वास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यह यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत का कौन सा स्थान, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर। काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? इसका राइट आंसर है आयन मंडल, इसको हम बोलते हैं आयनो मंडल। अब इससे संबंधित कुछ बात है। देखो आयनो मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी जो भी गतिविधियां होती हैं वो होती है शोभ मंडल में, और जोन परत जो विद्यमान होती है वो होती है समताप मंडल में, ठीक है। और रेडियो तरंगे किसमें होती है? आयनोस्फीयर में। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन से पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछता है। तीनों में कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सी तरंगे मिलती है, कौन सी ओजोन परत होती है, कहाँ पे मौसम गतिविधियां होती हैं, बादल वगैरह कहाँ पे बनते हैं, तो ये सब मंडल के बारे में शॉर्ट सी नॉलेज थी। आप इसको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? यह है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में। बोकारो तथा भिलाई स्थित लोह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से, ये दूसरे देश की बात कर रहा है, किस देश से हमने सहयोग लिया था, उसके सहयोग से ये स्थापित हुए थे? इसका नाम है पूर्व सोवियत संघ, मतलब रूस के सहयोग से। मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये स्थापित करा गया है केरल में। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? रानीपेट चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। जोन सारी खरवार
एवं थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को, किस क्षेत्र की कंपनी है? यह प्राइवेट सेक्टर की। अगला क्वेश्चन, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? ये मिलता है केरल में। अगला क्वेश्चन, नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तमिलनाडु से। और मैक्सिमम कोयला जो हमको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होता है? ये होता है भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट हाउस या लाइट टावर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है स्टैम्बोली ज्वालामुखी को, स्टैम्बोली ज्वालामुखी को। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ बातें मैं आपको ऐसी बोलता हूँ जो आपको शायद चुभती हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो कह रहा हूँ बच्चों, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जॉब आपकी लगनी है, सैलरी आपको मिलनी है, कैरियर आपका बनना है। अगर आप फॉलो करते हैं इन चीज़ों को तो प्लीज़ फॉलो करिए। अगर टाइम है, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो, अगर बिना तैयारी के अगर आप सिलेक्शन ले सकते हैं जिस तरीके से भी आप ले सकते हैं, तो वो आप ही जानते हैं कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, वो अलग मैटर है। अगर फॉर्म भरा है, तैयारी में अगर आप सीरियस होना चाहते हैं, मेहनत करने से आप अगर डरते नहीं हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नोट्स बनाने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं नोट्स पर बहुत ज़्यादा फोर्स बना के चलता हूँ कि नोट्स बनाइए, क्योंकि उसको रिवाइज करेंगे आप टाइम आने पर। नोट्स नहीं बना रहे हैं, वीडियो को तफरी में वॉच कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, नया चैनल सर्च कर रहे हैं, इस तरह से आप कई घंटे बिता दे रहे हैं, फुल डे आप स्पेंड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन स्टडी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एग्ज़ाम कितना अच्छा जाएगा या कितना बुरा, वो फिर आप डिसाइड करिए, क्योंकि मैं इस मैटर में फिलहाल कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से ऑल द बेस्ट, और जो भी आपका फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन ऑल द बेस्ट।